उत्तराखंड के रानीखेत में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने विद्यालय कैलेंडर का विमोचन किया। आपको बता दें, प्रतियोगिता में 12 संकुल केंद्र के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रतियोगिता में पहुंचे संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यालय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। रानीखेत से गोपाल सिंह दृष्ट की रिपोर्ट। आज प्रेम विद्यालय के इस ग्राउंड में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी ने मुझे आमंत्रित किया। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चों के मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एजुकेशन का ये एसेंशियल पार्ट है, स्पोर्ट्स एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट है। तो उसके तहत पे ये क्रीड़ा का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संकुल स्तरीय लेवल से ढेर सारे संकुलों से बच्चे आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और बच्चों का स्पोर्ट्स के प्रति रुझान देखकर भी बहुत अच्छा लगा।